morning, all of you. Good morning, sir. You know that is what? Non-cooperation movement. Non-cooperation. देखो गांधी जी ने कुछ टूल्स इस्तेमाल किए ब्रिटिश को फाइट करने के। एक टूल था नॉन वायलेंट नॉन कोऑपरेशन, दूसरा था नॉन वायलेंट डिसोबीडियंस, जिसको वो सिविल डिसोबीडियंस, तीसरा था सत्याग्रह, तीसरा क्या था सत्याग्रह। इन टू मोमेंट में नॉवेलिस फैक्टर है, नॉन कोऑपरेशन करने है तो नॉन वायलेंस, क्या करना है तो नॉन वायलेंस, डिसोबीडियंस करने नॉन वायलेंस। सो थीम था नॉन वायलेंस, थीम क्या था नॉन। अब देखिए क्या हुआ, नॉन वायलेंट नॉन कोऑपरेशन आपको समझ क्या था? Yes, sir. अच्छा नॉन वायलेंट डिसोबीडियंस जिसको वो सिविल डिसोबीडियंस मैं बताता हूँ, वो था सर के पास है आपके किसी हुक्म को नहीं मानते, फिर क्या करेंगे वो आजाद होंगे। कहता अगर हम अंग्रेजों के हर हुक्म को डिसोबे करेंगे वो कब जाएंगे उके? तो ये था डिसोबीडियंस। जैसे उन्होंने कहा जी साठ मत निकालो, हमने कहा जी हम निकालेंगे हर जगह साठ निकालने के लिए, अंग्रेज फेल हो गए हमने साठ निकाला। इसको कहते हैं डंडी मार्च। डंडी मार्च पता है कब शुरू हुआ, ये कहाँ से शुरू हुआ? साबरमती आश्रम से शुरू हुआ, कहाँ पर एंड हो गया? डांडी पर एंड हो गया। और वहां पर क्या हुआ इसने, देखो मैं बताता हूँ क्या किया इसने जनाब, हर पोर्ट जो भी पोर्ट 50-50 वॉलंटियर को भेजा और उनको कहा 10-15 पुलिस वाले होते थे, वो 10-15 पुलिस इन 50 के ऊपर ऐसे लाठी, क्योंकि उनको हुक्म था ना आपने कुछ नहीं कर लाठी चलाने ना कुछ करना, वो इनको भी होते थे बेचारे फेंक होकर निकलते थे लेकिन साथ नहीं मारते। एक दफा एक प्रेस वाला अमेरिकन प्रेस वाला था वहां, उसका गांधी जी ये कौन सी नॉन वायलेंस करते हैं इनको, ये कौन सी कैरेज है हिम्मत है, 10 पुलिस वाले 50 आदमी को घायल करके छोड़ते हैं। उसने कहा देखो दो किस्म की हिम्मत होती है, एक हिम्मत होती है गन के पीछे बैठ के गन चलाना, दूसरी हिम्मत होती है गन के सामने हंसते हंस ब्रेड और बगैर किसी हेट के अगेंस्ट द वन हु इज क्रिएट। खतरनाक हो इसी को कहते सौ, क्या माला को मारता है और आप उसकी गोली को ले रहे हैं विद अ स्माइल एंड विदाउट एनी हेट अगेंस्ट द पर्सन हु इज क्रिएट। बेचारा खामोश हो गया, बात ये कहती ये ऐसी कैरेज तो नॉर्मली पॉसिबल नहीं है। आपको पता है जो चीज है प्यार से होती है वो कभी जंक्शन नहीं होती। आपको आपके इस्लाम में एक कहानी है जहां पर हमारे प्रॉफिट साहब पीस बी अपॉन हिम उनके ऊपर कोई गंदी रुई फेंकते थे, वो गंदी रुई को धो के वापस भेजते थे, और जब उसने गंदी रुई नहीं भेजी तो वो उनको खबर पुशी करने गए और उस लड़की ने ईमान लाया, वो पिघल गई। ये है फोर्स ऑफ लव, फोर्स हर मजहब फोर्स ऑफ लव करते। क्राइस्ट कहते हैं अगर कोई आपको यहां से खबर मारे अपनी हमारी वैल्यू, और हिंदू धर्म कहते हैं अहमसा परमो धर्म, किसी को अहमसा परमा सबसे बड़ी ड्यूटी यह है कि डोंट किल एनीबडी, डोंट हार्म एनीबडी, डोंट हर्ट एनीबडी, अहमसा परमो धर्म द हाईएस्ट ड्यूटी ऑफ मैन इज टू नॉट हर्ट एनीबडी। आपको पता है कहते हैं माफी देना और माफी मांगना ये आपके अंदर सारा सवाल है। अगर आपको समझाया हमने गलती की है माफी मांगो, अगर किसी और ने गलती की है उसको माफी दे दो। जब आप माफी मांगने और माफी देने की सलाहियत रखेंगे तब आपको शांति मिलेगी, तब दुनिया पीसफुल रहेगी। अच्छा अब देखिए तो क्या मैं किसकी बात कर रहा था जिस वक्त जब मैंने साठ मार्च, हाँ साठ मार्च, अच्छा साठ मार्च हुआ ये सत्याग्रह था जिस वक्त जिसको क्या कह दीजिए चापरान मोमेंट थी वो भी सत्याग्रह था, जिस वक्त खेड़ा मोमेंट थी वो भी सत्याग्रह था, जिस वक्त वो अहमदाबाद मिल्स वालों के मोमेंट वो सत्याग्रह क्या कहते देखो महात्मा गांधी क्या कहते कहता है सत्याग्रह है जब कि आपको कोई चीज पता चले ये सच है। अगर आपको पता चले ये सच है तो उस सच के ऊपर आप टिको और ये सच को इस तरह से प्रेजेंट करो कि जो आपका ऑपरेशन है जो आपका दुश्मन है उसको समझ आएगी यार सच ये, ताकि वो पिघल जाए वो जिद पर ना रहे, जितनी देर तक वो ना पिघले उतनी देर तक तो आपका सत्याग्रह कामयाब नहीं है। क्योंकि सत्याग्रह शुड बी विन विन पोजिशन, आप भी विन करें और जो आपका ऑपरेशन है वो भी विन करें क्योंकि वो पिघल जाएगा ना। जैसे मैंने अभी दे दिया आपको इस्लाम की एग्जाम्पल बोथ वर विनर्स, इट शुड बी विन विन पोजिशन, इसको कहते हैं सत्याग्रह।
जिस वक्त आपको पता है मैं क्या हुआ सत्याग्रह किसी इंडिगो प्लांटेशन की तरह, एक अंग्रेजों ने एक पठान को भेजा उसको मारने के लिए और उसको दे दिया पिस्तल और 500 रुपये भी दिया। तो महात्मा गांधी को वो मारने आया, लेकिन मारने से पहले उसने कहा जरा महात्मा गांधी के साथ बैठो। अब महात्मा गांधी की उस वक्त महात्मा नहीं था, बाद में महात्मा गांधी, उसने उसके साथ इंटरेक्ट करके वो बहुत ही इंप्रेस हुआ। क्योंकि देखो जो रूहानी आदमी होता है ना उसका उसकी शक्ल ही अलायदा होती है, उसका इन्फ्लुएंस ही अलायदा होता है, वो आपको उसके साथ बैठ के ही आप चेंज हो जाते हैं। सर ये इतना चेंज हो गया, इसने कहा सर मुझे तो अंग्रेज मारने के लिए भेजा था, उन्होंने ये 500 रुपये लिए, 500 लिए। अगला आदमी जो आपका ऑपरेशन है वो भी पिघल जाए। तो मैंने आपको तीन टूल बताए, एक नॉन वायलेंट नॉन कोऑपरेशन, दूसरा बताया आपको सिविल डिसोबीडियंस की भाई कोई भी हुक्म निकला हम तो नहीं मानेंगे, तीसरा सत्याग्रह। मगर इन तीनों की थीम क्या है? नॉन वायलेंट। यही तीन टूल। अच्छा देखो ना इन टूलों की कितनी इंपॉर्टेंस है, आप नहीं देख रहे हैं मार्टिन लूथर किंग, उसने भी महात्मा गांधी का नॉन वायलेंस मेथड बनाया और ही सक्सेसिव। आप ये देखते हैं वो जो था साउथ अफ्रीका का नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला ने भी महात्मा गांधी का नॉन वायलेंस टूल, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड ये मैसेज गई कि सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग मेथड ऑफ रिवोल्ट इज नॉन वायलेंट नॉन कोऑपरेशन। तो या सत्याग्रह वट एवर यू से, सो इसका ये टूल बड़ा कामयाब रहा। तो इस तरह से जो है महात्मा गांधी ने तमाम हिंदुस्तान में हरकत पैदा की। अब देखो क्या हुआ, इसके बीच में जिस पर स्ट्रगल चल रही थी बहुत से अंग्रेजों ने बहुत कोशिश की हिंदुस्तानी लीडरों को अपनी तरफ लाने की। पहले तो जोर जबरदस्ती की, फिर आपस में दोस्ती का भी किया, लेकिन न जोर जबरदस्ती चली न दोस्ती चली। क्यों आपको पता है, एक दफा उन्होंने 1905 में आपने उन्होंने पता क्या किया, उन्हें बंगाल को पार्टीशन किया, बंगाल को पार्टीशन किया मुसलमानों को हिंदू का अलहदा अलग करने के लिए ताकि आपस में ही भिड़े। क्योंकि सबसे बड़ा टूल जो अंग्रेजों के पास था वो था हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ने का, कोई नहीं कुछ करना जिससे वो आपस में लड़े। और 1906 में मुस्लिम लीग बनी, 1906 में जब मुस्लिम लीग बनी उस वक्त वायसराय ने मुबारक भेजा अपने पार्लियामेंट को, अपने प्राइम मिनिस्टर को कि हम कामयाब हो गए मुस्लिम लीग बनाने में, क्योंकि जो ही मुस्लिम लीग बनेगी उसका मतलब हो गया हमने अपना झंडा अलहदा कर दिया। तो ये मुस्लिम लीग किसने बनाई थी आपको याद है? किसने? आगा खान और सलीम अली। ये आगा खान कहाँ का था? ये ईरान का था। और सलीम अली कहाँ का था? ये प्रधान बांग्लादेश का, प्रधान बांग्लादेश का सलीम अली था और आगा खान था ईरान से। ये देखना इंटरनेट पर एफआईएमआई करना, कंफर्म करना। तो इन्होंने मुस्लिम लीग बनाई और मुस्लिम लीग बनाने का मतलब यह था कि मुसलमान जो है वो अलहदा है, हिंदू अलहदा है, हो गया ना डिवाइड। तो इसलिए इंडिपेंडेंस मूवमेंट में जो है नेचुरली वो जोर नहीं रहेगा। आपको पता है पाकिस्तान का झंडा सबसे पहले कहां खड़ा हुआ बताओ? 1940 में लाहौर में मुस्लिम लीग का सेशन हुआ, 1940 में मुस्लिम लीग का झंडा लाहौर में मुस्लिम लीग के सेशन हुआ और उस सेशन में उन्होंने कहा नहीं कि हमें पाकिस्तान चाहिए, हमें पाकिस्तान। उन्होंने कहा जो मुसलमानों के लीडर थे उन्होंने कहा देखो जी हम तो अलहदा कौम है क्योंकि हम मुसलमान है, मगर कौम मजहब से नहीं बनती, कौम इथनिसिटी से बनती है। जैसे आप और मैं हूं, सेम कल्चर है, सेम लैंग्वेज है, सेम उठना बैठना है, सेम ड्रेस है, हम तो एक ही है, नो डाउट। आप एक मजहब के हैं, मैं दूसरे मजहब का हूँ, लेकिन अंग्रेजों ने ये बना दिया कि भाई ये मुसलमान जो है। अच्छा आप मुसलमान लीडर जो थे वो कहते थे देखो जी मुसलमान जो है वो माइनॉरिटी में है, अगर हिंदुस्तान आजाद हो जाएगा ये मेजॉरिटी हिंदुओं का होगा। लेकिन आपको पता है मेजॉरिटी ही रिस्पॉन्सिबल होती है माइनॉरिटी को बचाने के लिए। जब मेजॉरिटी माइनॉरिटी के फेवर में होता है तो माइनॉरिटी को कोई हाथ नहीं लगा सकता है। अब देखो क्या हुआ, डेमोक्रेसी कहते हैं रूल ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, अगर मेजॉरिटी में एक सेक्शन है तो ये उनका ही रूल बनता है। लेकिन अब उनके ऊपर राइडर बन गए, पता है क्या राइडर बन गए? राइडर बन गए हैं कि लॉज बनेंगे प्रोटेक्शन ऑफ द माइनॉरिटी, माइनॉरिटी के लिए रिजर्वेशन रहेंगे इन द जॉब्स, इन एजुकेशन, इन ऑल द सेक्टर्स माइनॉरिटी के लिए रिजर्वेशन, सो दैट माइनॉरिटी विल नॉट फील ऑप्रेस्ड बाय द मेजॉरिटी।
अब डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट ही चेंज हो गया। पहले डेमोक्रेसी था रूल ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। महात्मा गांधी का नहीं, डेमोक्रेसी मस्ट मीन सर्व। अच्छा फिर अंग्रेजी में कहा डेमोक्रेसी मीन द गुड ऑफ द मेजोरिटी, डेमोक्रेसी मीन सर्व उदया गुड ऑफ ऑल। सर्व उदया क्या होता है? डेमोक्रेसी मीन गुड ऑफ ऑल। अब देखो ना आपकी फैमिली में एक कमजोर होता है तो सारी फैमिली उसकी तरफ ज्यादा अटेंशन देती है, देती है कि नहीं? यही होता है। एक मुल्क भी एक फैमिली होता है, उस फैमिली में वो तभी खुश फैमिली रहेगी जबकि कमजोर की तरफ ज्यादा अटेंशन दिया जाए। सो दिस इज कंट्रोल। अच्छा एनीवे तो इस तरह से महात्मा गांधी आगे चलता चलता गया और क्या हुआ कि गांधी इरविन पैक्ट हुआ 1931 में। गांधी इरविन पैक्ट 1931 में यह था कि इरविन ने कहा मैं तुम्हारे सारे प्रिजनर्स को छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे सारे प्रिजनर्स को छोड़ूंगा लेकिन तुम सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करो। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो गई। जब वो फेल हो गई गांधी ने फिर सिविल इतनी देर में आपको पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होगी 1914 में। 1914 टू 1918 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई। इसमें अंग्रेजों ने हिंदुस्तानी लीडरों को कहा भाई हम आपको अगर आप हमें साथ कॉपरेट करेंगे हम आपको आजादी देंगे। लेकिन जब 1918 में लड़ाई खत्म हो गई 1919 में उन्होंने रॉयल एक्ट पास किया। और वो रॉयल एक्ट क्या था? वो रॉयल एक्ट ये था कि दैट किसी आर्मी को पकड़ो बगैर किसी वारंट के। जैसे आजकल पब्लिक सेफ्टी एक्ट, वो जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट किस लिए था पास हुआ था? एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ऑफ इंडिया टू क्रिएट अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया, टू क्रिएट अ कॉन्स्टिट्यूशन। 1927 में साइमन कमीशन बना, 1928 में साइमन कमीशन इंडिया आया। इसको साइमन कमीशन क्यों कहते हैं जरा हाथ खड़े करो जुलूस निकले जुलूस पर लाठीचार्ज हुआ। उस लाठीचार्ज में पता क्या हुआ? लाला लाजपत राय जो कौन था, लाला लाजपत राय कौन था तेरा बताओ? उसको शेरी पंजाब कहते थे। क्या कहते थे उसको? शेरी पंजाब जो है लाठीचार्ज में मारा गया, हथवाल में मर गया। और एक और खतरनाक आदमी जो है वो बुरी तरह से जख्मी हो गया, कौन था वो? वो वल्लभ भाई पंत, पंत पंत वल्लभ भाई, पूरा नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। वल्लभ भाई पंत ये पूरा नाम क्या दिनों वाली से फूल है? अच्छी तरह देखो उसको, पूरा उसको पता है उसे इतने लाठियां पड़ी। वो कैसे पड़ी? क्योंकि नेहरू के ऊपर लाठी चार्ज हुआ, नेहरू को बचाने के लिए उसने अपना आप उसके ऊपर डाल दिया। फिर वो सारी लाठियां उसकी पड़ी और वो इतना डैमेज हुआ कि सारा टाइम फिर उसका सिर ऐसे ऐसे कर दिया, नर्वस प्रॉब्लम। तो इस तरह से कैजुअलिटीज होती है हर आजादी के। जब मंगल पांडे ने शुरू किया 1857 में तो उसको हैंग किया गया, इसी तरह से भगत सिंह ने बॉम्ब डाला सिंगल पर तो उसको हैंग किया गया। तो इस लड़ाई में जो है रेवोल्यूशन में बहुत से लोग मरते हैं, वो हमारे हीरो बनते हैं। Okay, now I think we'll continue this on Tuesday. Okay. Oh, God bless you. Thank you very much. आपको